हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। और गाइस, आज तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लेकर जाने वाला हूं और उसको तोड़ना भी है मुझे। तो फिलहाल तो मैं घर से निकलता हूं और आप लोगों को वहां पर लेकर चलता हूं और वहां जाके दिखाता हूं। चीज़ तोड़ने के लिए हथियार भी लेकर जा रहे हैं साथ में और मितेश भाई भी रेडी है हथियार लेके। बैठ जा भाई, बैठ जा, हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। चलो गाइस, आप लोगों को लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर। हेलो गाइस, फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और आज तो मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसे कमदा कहते हैं और कई सारे लोग इसे करमदा भी कहते हैं। पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन आज तो ये तोड़ने के लिए आया हूँ और इसका मम्मी अचार बनाने वाली है, तो मम्मा ने बोला कि तोड़ के लाओ, तो हम लोग यही तोड़ने के लिए आए हैं आज। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये है करमदा, यही तोड़ना है आज हमें। ये देखो, इसे करमदा कहते हैं और इसका अचार बनाने वाले हैं हम लोग। देखो गाइस कितने बड़े हैं। और इसका जो ये देखो, अभी ये तो रस भी निकल रहा है। ये अभी तो तेल लगा देता हूँ हाथ में, क्योंकि इसका रस जो निकलता नहीं है वो काफ़ी स्टिकी हो जाता है, तो पहले तेल लगा लेता हूँ हाथ में। तो यहाँ पास में ही पत्ते हैं तो वही तोड़ के लेकर आता हूँ मैं। ये दो पत्ते तोड़ लेता हूँ फिलहाल। तो पत्ते तोड़ के लेकर आ गया। अभी तो इसका भी इस तरीके से मोड़ के करंदा रखने के लिए बना लेते हैं हम लोग। कटोरा बना लिया है पत्ते से, अब इसमें तोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तेल लगा देता हूँ, ये तेल लगा लेकर आया था घर से, वही हाथ में लगा लेता हूँ पहले। ये तेल लगाना जरूरी है, वरना सारा जो इसका रस है वो हाथ में चिपक जाएगा और हाथ पर स्टिक स्टिक हो जाएगा। फिलहाल तो ये तोड़ना स्टार्ट कर दिया है हमने। ये देखो गाइस, ये पका हुआ भी मिला है। ऐसे ये पक जाता है तो काफ़ी टेस्टी लगता है। आप साफ सुथरा ये सब प्लेस पे घूमने जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ये खाने को मिलेंगे। अभी तो इसके सीजन लेट है पकने में, अभी तो कच्चे ही लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसका अचार बनाना है हमें। ये देखो काफ़ी बड़े हैं। हाँ ये देखो, बहुत सारे तोड़ने हैं, पूरा कटोरा भरना है हमें। यहाँ पर ऊपर बहुत सारे हैं तो ऊपर चढ़ने वाला हूँ अभी तो मैं। यहाँ से सारे करमदा तोड़ लेता हूँ। ये ले मितेश भाई, अब तू भी थोड़ा काम कर ले, इसमें से तोड़ ले नीचे से, मैं फेंकता हूँ। ये लो, उठा ले नीचे से, लकड़ी से ले ले। टाइम तो बहुत आराम से चढ़ गया, लेकिन अभी उतरने में दिक्कत है थोड़ी। यहाँ पर तो कांटे भी बहुत है, कांटे तो बहुत टूटे। फाइनली नीचे आ गए, तो भी दिखाता हूँ कितने हमने तोड़ लिए हैं वो। तो गाइस, ये तो पूरा भर दिया हमने और इसमें भी, ये भी पूरा भर दिया और ये दो थैली भी हमने तोड़ लिया। अभी तो इसमें बहुत सारे तोड़ लेंगे हम लोग। अभी तो पत्ते लेने के लिए आना पड़ा, अभी भी दो तीन पत्ते बड़े बड़े तोड़ के लेकर चलता हूँ और सारे अभी करंदा इसमें भर देंगे हम लोग। तो तोड़ के सीधा डिक्की में ही डाल देंगे। चलो चलते हैं वहाँ पे। ऐसे डिक्की ओपन कर लेता हूँ और इसमें सारे पत्ते रख देता हूँ मैं और सारे करंदा इसमें ही रख देंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा हवा आ रही है तो इसकी वजह से ये पूरा उड़ रहा है। ओके, सेट, डाल दो इसमें। अभी तो इसमें से ही तोड़ रहा हूँ मैं तो नीचे से। हम लोग जब सापुतारा और ऐसे हिल स्टेशन में जब घूमने जाते हैं ना डांग के एरिया में, तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा मिलता है। टोकरी भर भर के रखते हैं वो लोग वहाँ पे, और जो लोकल बच्चे हैं वो ज़्यादा बेचने के लिए आते हैं। 10 रुपये के इतने देते हैं, इतने सारे इतने आएंगे थोड़े से। तो गैस इतने अभी तो तोड़ लिए हैं हमने, ये पूरी डिक्की भर गई है। और ये देखो हाथ में भी ये सब लग गया। मैंने दिखाया था ना आपको कि ये सब हाथ में उसका जो रस है वो लग जाता है और चिपक चिपक होता है सब। ये देखो गैस, ये सारा कचरा चिपक गया है और हाथ पे से हो गया है। कोई बात नहीं, अभी तो हम लोगों ने इतना तोड़ लिया है, हम लोग भी अब निकल रहे हैं यहाँ से।
समर की सीज़न है तो पानी कम हो जाता है और मछलियाँ भी बहुत होती है और पानी काफ़ी छिछला हो जाता है, तो इसकी वजह से मछली पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं अभी तो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए। थोड़ी देर देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग भी चलते हैं। चलो गाइस हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं, घर पे चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। अभी तो घर पे आ गए हैं, इसमें सारे अभी तो निकाल ले देंगे। ये देखो गाइस काफी सारे हैं, ये देखो गाइस बहुत दोपहर में हम लोग ये इतने सारे करौंदा तोड़ के लेकर आए हैं। देखो गाइस अभी तो ये लेकर आया, फिर पानी में भिगो के रखता हूँ थोड़ी देर। इतने भी इसमें कक्कड़ पत्थर और ये सब कूड़ा लग गया है, वो सब निकाल देना है हमें। इसको तो अभी अच्छे से वॉश कर लेंगे हम लोग, ये कचरा सब हटा देना है इसमें से। गांव में एक अंकल रहते तो उसने कॉल किया, तो उसके घर पे काम है तो वही काम करने के जा रहे हैं। सामान भी निकल लिया है अभी, तो अंदर रख देते हैं, तो सामान रख देते हैं इसमें। वहाँ पे थोड़ा वेल्डिंग का काम है, शेड बनाने का है, तो वही काम करने के लिए जा रहे हैं अभी। निकलते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे शेड बनाने का काम करना है। सामान लेकर आए हैं, ये पत्रा है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक लगाना है और उस साइड से यहाँ तक। अभी तो ये सब कट करना था वो कर दिया है, सामान पैक कर रहे हैं, घर पे जाने वाले हैं। अच्छे से रख दे मितेश भाई, पूरा काम ख़त्म कर लिया है, अभी दूसरा काम है वो कल करेंगे। फिलहाल तो घर के लिए निकलते हैं हम लोग। अभी तो घर पे आ गया हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ और थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद काम को स्टार्ट करता हूँ। थोड़े चंपा के कटिंग बचे हैं तो वही डालने हैं बैग में, और इसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। तो आज का ब्लॉग अभी मैं यही पेंट करता हूँ, तो कैसा रहा आज का वीडियो कॉमेंट में ज़रूर बताना, और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।